हेलो दोस्तों, दिस इज मिशन फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग आज बात करने वाले एक ऐसी डिबेट के बारे में, एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ये क्वेश्चन जल्दी से मिलने वाला नहीं है। एसएल का हर बच्चा इस क्वेश्चन को लेकर परेशान रहता है। एसएल का हो, एनसीईआरटी का हो, चाहे रेगुलर का हो, जो भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को लेकर परेशान रहता है, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी क्वेरी जल्दी से गूगल पे या कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होती। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का नाम है हमें फेडरलिज्म का अंतर करना है यहां पर इंडिया में और कनाडा में, है कनाडा में, तो हमें कनाडा और इंडिया के अंदर फेडरलिज्म का डिफरेंशिएशन करना है कि दोनों में फेडरल स्ट्रक्चर किस तरह का है। अब फेडरलिज्म यानी संघवाद को पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म के अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो फेडरलिज्म पे एक इंट्रो वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको बेसिक फेडरलिज्म है वो समझ में आ जाए। जब बेसिक आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा। फिलहाल बेसिक के लिए मैं एक छोटी सी लाइन बताता हूं कि फेडरलिज्म वहां पर होता है जहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे देश में हम बात करें तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। तो यहां पर क्या है, फेडरलिज्म यानी जो पावर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, आधी पावर स्टेट के पास है, आधी सेंटर के पास है। और हमारे देश में तो तीसरा लेवल भी है, दैट इज हम लोकल लोकल लेवल, जिसे हम पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी भी कहते हैं। तो यही होता है फेडरलिज्म, जहां पर जिस भी देश के अंदर जो पावर है वो डिवाइडेड होती है बिटवीन टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो अब हम बात करेंगे इंडिया का और कनाडा का फेडरलिज्म के अंदर डिफरेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट डिबेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये बात आप लोग सब जानते होंगे, जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, कि इंडिया ने जो फेडरल स्ट्रक्चर है अपना वो कनाडा से लिया है, ठीक है भाई। और इंडिया जिस फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है वो क्या है, वो पूरी तरह फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, उसे सूडो फेडरल कहा जाता है। क्या कहते हैं, सूडो फेडरल। सूडो फेडरल का मतलब है इसके अंदर एक बायस है, बायस टुवर्ड दी सेंटर, यानी कि सूडो फेडरल का बेसिक मतलब होता है यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो मोर पावरफुल होगी एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर के पास ज्यादा पावर होगी स्टेट के मुकाबले। ये चीज उसने कनाडा से लिया, दैट इज कॉल्ड सूडो फेडरलिज्म। यानी हमारे यहाँ का ना तो फेडरलिज्म ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ज्यादा रिजिड है, हमारे यहाँ पर दोनों को बराबर पावर है लेकिन सेंटर को हल्की सी ज्यादा पावर है। तो ये तो बेसिक हो गया भाई। अब बात करते हैं दोनों की डिफरेंस की। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो ये है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी, यानी इंडिया के अंदर 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी के बीच में पावर बटी हुई है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे डिसएग्री करेंगे कि सर 28 स्टेट नहीं है, 9 यूटी नहीं है, तो भाई आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लें, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ये बात बोलना कि सर 28 स्टेट नहीं है, 9 यूटी नहीं है, कि मैंने बहुत सोच समझ के इस बात को लिखा है कि हमारे देश में फिलहाल आज की तारीख में जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसके हिसाब से हमारे देश में 28 स्टेट है एंड 9 यूटी है, ठीक है भाई। वही हम कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है वो 10 प्रोविंस में बटा हुआ है और 3 टेरिटरीज में बटा हुआ है, 10 प्रोविंस में बटा हुआ है और 3 टेरिटरी में बटा हुआ है। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1947 में इंडिया फेडरेशन बना था, जबकि कनाडा कब बना था फेडरेशन, कनाडा बना था 1867 में बना था भाई साहब फेडरेशन, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट में आप लोग क्या लिखोगे, तो दूसरे पॉइंट में हमें लिखना है कि वाई फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म क्यों चुना गया, है ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई, इंडिया के अंदर इतने सारे कल्चर, इतने सारे रेस, इतने सारे रिलीजन, जेंडर, क्या क्या नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे की डायवर्सिटी है। इतनी सारी डायवर्सिटी को एकोमोडेट करने के लिए फेडरलिज्म एक बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी देश के अंदर, तो इस वजह से भी हम लोगों ने फेडरलिज्म चुना। तो क्या कनाडा में भी डायवर्सिटी है, जी हाँ कनाडा में भी डायवर्सिटी है। कनाडा में जो फ्रेंच लोग हैं वो लोग लोअर कनाडा में रहते हैं, जो कनाडा का लोअर पार्ट है ना वहां पर रहते हैं, जबकि जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं वहां पर वो अपर कनाडा में रहते हैं, ठीक है, वो अपर कनाडा में रहते हैं। और रीजनल डिफरेंसेस भी हैं कनाडा के अंदर अपने आप में, तो इस वजह से वहां पर भी फेडरलिज्म को ऑप्ट किया गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट ये कि हमारे यहां पर लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर्स होती हैं, ठीक है, जबकि ऐसा कनाडा के अंदर नहीं होता। यहां पर जो अपर हाउस होता है, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, ये वीकर होता है एज कंपेयर टू हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि जो
इनका निचला सदन होता है, इनकी लोकसभा होती है, दैट इज कॉल्ड हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो कम पावरफुल है एज कम्पेयर टू हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये कि यहाँ पर जुडिशरी जो है इंडिया में वो इंडिपेंडेंट है। कि भाई स्टेट और सेंटर के बीच में कोई मसला हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, तो भाई जुडिशरी सही ढंग से फैसला ले पाएगी। बट कैनेडा में ऐसा नहीं है। जो कैनेडा में जुडिशरी है वो डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? ऑन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट है वो अपने फैसले लेने के लिए। ठीक है भाई, ये तो एक सिंपल हो गया। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की, कि फिफ्थ पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट की हम बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की। हमारे देश के अंदर राज्यसभा जो होती है उसके अंदर हर स्टेट का इक्वल से नहीं होता। राज्यसभा में इक्वल नंबर ऑफ स्टेट, स्टेट के हिसाब से सीट्स नहीं होती। क्योंकि यूपी की जितनी सीट्स हैं उतनी त्रिपुरा की होती है नहीं होती, यहां पर डिफरेंट होती है ना। हर जगह का अपना अपना जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीट्स फिक्स होती है। जबकि यहां पर भी जो पूरा का पूरा जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो रीजनल रिप्रेजेंटेशन करता है। क्या करता है? रीजनल रिप्रेजेंटेशन करता है। और यहां पर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, उसके जो मेंबर हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर हैं वो किसके जरिए अपॉइंट होते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर के जरिए अपॉइंट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाउस ऑफ लॉर्ड तो वीक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में सारी चाबी है। इसके बाद बात करेंगे डिवीजन ऑफ पावर की। तो डिवीजन ऑफ पावर की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ पॉइंट के बाद सिक्स पॉइंट ऊपर लिख रहा हूं। यहां पर सिक्स पॉइंट की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो यूनियन है एंड द स्टेट, यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, इनके काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के सेवंथ शेड्यूल के अंदर सारे के सारे लिखे हुए हैं। उसके अंदर यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है, कंकरेंट लिस्ट अलग है, और सबके काम मेंशन है। और ये लोग आपस में दोनों के दोनों कोऑपरेशन के अंदर काम करते हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान तो यूनियन ही पावरफुल होगा, बट नॉर्मली ये लोग आपस में कोऑपरेशन बना के काम कर लेते हैं। बट ऐसा कैनेडा के अंदर नहीं होता। कैनेडा के अंदर होती है भाई साहब एक्सक्लूसिव पावर, है ना भाई। जो सेंटर के पास पावर है वो स्टेट के पास नहीं है, जो स्टेट के पास है वो सेंटर के पास नहीं है। इसके अलावा दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन सा चलता रहता है, ठीक है। इलेक्टोरल गेन के चक्कर में ना ये लोग आपस में ज्यादा कोऑर्डिनेशन बनाते नहीं है। दैट्स व्हाई स्टेट और सेंटर में एक्सक्लूसिव पावर है पूरी तरह से, ठीक है। अब बात करते हैं सेवंथ पॉइंट में पॉलिसी मेकिंग को लेकर। सेवंथ पॉइंट में हम बात करेंगे पॉलिसी मेकिंग को लेकर। तो अगर पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो इंडिया के अंदर एक सरकारी कमीशन आई थी। कब आई थी? 1983 में आई थी। इसमें यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको समझाने की कोशिश की थी। और ये बोला था कि जो गवर्नमेंट है उसे आपस में हार्मनी बना के वर्क करना चाहिए। दोनों गवर्नमेंट्स को, यूनियन को भी और स्टेट को भी, आपस में संबंध बना के हार्मनी बना के काम करना चाहिए। बट ऐसी चीज यानी यहां पर पॉलिसी मेकिंग में क्या हार्मोनियस वे में आपको टैकल करनी चाहिए जो भी इश्यूज है। बट ऐसा कैनेडा में नहीं है। कैनेडा के अंदर क्या है? कैनेडा के अंदर है पॉलिटिकल फाइट या पॉलिटिकल माइलेज लेने का एक वो रहता है कि भी मुझे पॉलिटिकली ज्यादा फायदा हो जाए, स्टेट में मुझे पॉलिटिकली ज्यादा फायदा हो जाए। तो यह इलेक्टोरल रेस रहती है, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन आप यहां पर देख सकते हो, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन देख सकते हो आप यहां पर, ठीक है। तो यह हो गया आपका आठवां पॉइंट। तो ये आठ पॉइंट के अंदर मैंने इंडिया और कनाडा को आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता इतनी बेहतर तरीके से कोई आपको इंडिया कनाडा को समझा सकता है। और इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक टॉपिक को समझाने की। इंडिया कनाडा पे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पेपर के अंदर इस क्वेश्चन के आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, हर साल रहते हैं, साल दर साल रहते हैं। रेगुलर के बच्चे हों, एसओएल के हों, एनसीओ को कहीं ये आंसर मिलने को तैयार नहीं है। और खासकर लिखने के फॉर्मेट में तो बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने आपके मोटे मोटे पॉइंट्स लिख दिया, अभी इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन आप आसानी से कर सकते हो। जब ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके सामने पेपर में आएगा तो आपको करना क्या है, आपको पहले फेडरलिज्म को अच्छे से समझाना है। उसके लिए आप मेरी इंट्रो वाली वीडियो देख सकते हो। देन फेडरलिज्म को समझाने के बाद आप इंडिया को और कैनेडा को डिफ्रेंशिएट करोगे एक एक करके अच्छे अच्छे पॉइंट्स में। जो मैंने इतना सा लिखा, इतना सा मत लिख के आ जाना, इसे आपको पूरा पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है हर पॉइंट को। जब आठों के आठों पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएंगे देन आप एक छोटा सा कंक्लूजन दे सकते हैं और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी चीजें किस तरह से करनी है, कैसे करनी है। अगर समझ में आ गई है तो अपने दोस्त जो हैं जो परेशान हो रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें और उनसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।